जब साधना दिखले बा कलश भैया 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 किरट लगाती हुई जा दौड़ करके जाती है, जाके गले से लगिल। साधना तो भैया किरट लगा दे बाबू, लेकिन वो आदमी वो ठेकेदार दारू के नशे में बूत है और उस साधना को आलिंगन के रूप में बाहों में कस लिया। उसके होठों को उसके गालों को जब चूमने लगा साधना कलश की भैया, अरे भैया ये क्या कर चल भैया। तब तक एक नजर डालता है उस लड़की पे, अरे लड़की बंद कर, मैं तेरा भाई भाई नहीं हूं, इस कोटे पर मैं किसको किसको अपना बहन मानूंगा, बंद कर बकवास। साधना की आंखों का आंसू सूख गया बाबूजी, कलश बार भैया बा, अगर हम जानते रहते कि तू ऐसा भाई हुआ तो हम राखी बांधे ना रहती, लेकिन ठीक है जब तू मेरी इज्जत को लूटना चाहता है तो एक मेरी बात सुन ले। बताओ बका बतूल असलाल, अरे काहे लूटल चाहेला, अरे जाती आई वीराना बनी हम बहिलिया तो एक फूलवरिया के हम दोस्त मनावा, कर जली दुनिया अनार हो। ठीक है जब तू मेरी इज्जत को लूटने आया है, मैं कोटे वाली हूं एक बेस्या हूं ना, तो आप मेरी इज्जत को लूट ले, लेकिन एक बात और सुन ले भैया का, गौतम गोविंद लेके तोहरा भगीरवा, कहे भैला निपटे गवार हो। एकाएक जब सुनता है कि साधना रावत सिंह गौतम गोविंदा, अरे बाप रे बाप, आवाज सुन गया, दौड़ करके चरणों में गिर जाता है, माफ कर दे बोल, माफ कर दे मुझे, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। धिक्कारते हैं, हट जा, तू मेरा सौदा किया है ना, मेरे आबरू का सौदा किया है ना, आके लूट ले मेरी असमत को, मिटा ले अपने हवस की भूख। रो रहा है भाई गिरल बा चरण में, रो रो के कैलाश की बहन, माफ कह दे बहन, ए बाबू सो जाता है कि जिस बहन के आंचल में मैंने जिंदगी गुजारा, बचपन गुजारी, आज उसी के ओठों को चूम लिया, उसी के गालों को चूम लिया। कैसे अब अपना मुंह दिखाऊंगा, कैसे अपने बहन के सामने अपने सर को उठाऊं। पूरे शर्मिंदे के मारे गिरा है। जब गिरल बाबू जी कमर से पिस्टल निकाला और लगा करके खोपड़ी में ठा 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 धाराशाही हो गया। जब गोली की आवाज पूरे रेड लाइट एरिया में गुंजी, थाने पर गई खबर, तुरंत दल बल के साथ एसपी साहब डी के मल्होत्रा साहब पहुंचे हैं घटना स्थल पर। जब पहुंचलन तो कोठे की माल की रंभा और साधना को अरेस्ट की। लेकिन बाबू यहाँ के बात अभी हमें छोड़ दा, जौन बचवन के दूगो छोड़ के किडनैप कर लेल गई साधना, घरे दोनों बचवन का हाल का विदेशिया के अंदर कवि जी भाव दिलन। कैसे लाल कि माही अधिगरिया में अरे गोबिल डाला ललवा हो, सुसुकी के सुतलबा ओ सरियाई बाबूजी, गौतम ललनवा के अरे आवे नानी दरिया हो, टुकुर टुकुर ताकिला डगरियाई बाबूजी। तब तक गौतम गोविंदा सुतल बोल बाबू, गोविंदा सुत गिलबा, गौतम के नींद ना आवत बा, माई के याद में आंख से आंसू चलत बा। इतने में भइल का कि इतने में बदमाशा अरे आई क्या चलाई दिहले, अरे गोविंदा के गर्दन पे काटरिया आए बाबूजी। गोविंदा के हाल देखी गौतम सुगनावा हो, दौड़ी के लिपटल बात अरे मम्मी के आचारिया, जो गौतम के गोविंदा के गर्दन पर कटारी चलौलन बाबूजी। गौतम झट से उठ के देखत बा कि मामी हमारे बगल में ही दो आदमी हमारे भैया के मारत हुवन। ए बाबू दौड़ के जाके मामी से कैलाश, मामी काहे लोग हमारे भैया के मारत हुए, ए मामी बचा ल मामी, बचा ल मामी। ए बाबूजी तब तक पापिन उठा करके उस बच्चे को जमीन पर पटकती है। जमीन पर पटकल बाबूजी कपार तो फट गई, खून बह लगल। हाथ जोड़ के कैलाश की मामी आखिर कसूर का बा, रो रो के एगो बात कैलाश, कैलाश का मास्टर साहब ये रो रो के कहत बा कि आखिर मामी हमार कसूर का है, मामी कौन करनवा मामी बना लू बेगाना, अरे बना कौन करनवा मामी बना लू बेगाना, अरे बना लू बेगाना, जली मार जाना मार लू। मासूम बचवा के छाती पे सवार भइल बा। मासूम बचवा के करेजा जब फटल, मुंह से खून आवे लगल। कलश मामी आखिरी बात हमार सुनला। फाटल बा करेजा, फेकलस मुहा, मां से खून आवे रे मुहा, मां से करेजा फेकलस मुहा, मां से खूनावा अरे मुहा, मां से खूनावा हो होई गईल सुगाना फरार डोरा। ए बाबू, हर दोनों बच्चवन के मार दिलस। आत्मा संतुष्ट ना भइल, वो गौतम के भी गर्दन के अलग के दिले भाई। बाबू अब यहाँ के बात हमें छोड़ दा। और थाना के अंदर साधना बयान देत बा। धीरे धीरे 9-10 बजत बारात। दरोगा साहब से कल से, ए दरोगा जी, हमसे बयान का लेत बाला। हे दरोगा जी, आज हमार दिल धड़कत बा, हमके असगुन बुझात बा। ये दरोगा जी, रो रो के एगो बात कलस। का कलस बाबू? यह कहत है कि बाबू दरोगा जी कि बाबू दरोगा जी अरे फरा 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 के दाइल अखिया मोर। बाबू दरोगा जी दरोगा जी, जौना स्तन से हम अपने बचवन के दूध पियवली, आज वो स्तन गवाही करत बा कि भौजाई जब हमार ना भइल तो हमारे बचवनों के ना छोड़ी। ये दरोगा जी, एगो बात और बतौलस। पापिन भौजाई मोरे नैया बरलस बीचे तब मजा धा। बाबू दरोगा जी धारा 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 कहता इन छतिया मोर। बाबू दरोगा जी धारा 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 कहता इन छतिया मोर। दरोगा जी धारा 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 कहता इन छतिया मोर। बाबू दरोगा दरोगा जी, आज हमार ना जाने काहे आग फरगत बा, असगुन बुझात बा। ये दरोगा जी, हमार बचवा लोग कौने हाल में होइल। गौतम गोविंदा रोई रोई के काटत होई है रात। अरे दुख का खोजत होई है, अरे क्या खोज जाता होई है, मैं मर नहीं के दिखात। बाबू दरोगा कि बाबू दरोगा अरे यस्कुल बुझाला धड़का दिया राम। बाबू दरोगा जी हे बाबूजी, सारी बात पूरे प्रशासन सुन रही है। सुन करके डी के मल्होत्रा साहब के आंखों से आंसू छलक गया। बस कर बेटी, बस कर, अरे तेरे जैसी मेरी भी एक बेटी है रे। हे बाबू, रो रो के कहत बा का कलश मास्टर साहब आला के अंदर भाव लगल। अरे साधना बयान सुनने के बाद डी के मल्होत्रा साहब के आंखों से आंसू छलक गया। बाबू कल बस कर बेटी बस कर। तुरंत दल बल सजवलन और कैला का सदर आला के भाव लगल। मास्टर साहब छापा मला जाकर आओ सिंह के बखारिया, अरे छापा मला जाकर आओ सिंह के बखारिया, रात का समय आ रहा ला सुना साना, बाबू रात का समय आ रहा ला सुना साना, लसिया गला तब्बा पिरा हलाया गाना, तब ले इन सब कर कैला बात का उड़ाना, खोला दरवाजा जब सुना हम मुदैया, सोची गैला पापिया ये सिरा बात तूफाना, आधी रात को डी के मल्होत्रा साहब दल बल सजा करके पहुंचे डूही में। जाकर गए रावत सिंह के बकरी के चारों तरफ छापामारी किए। दरवाजे के सामने जब गिलन आवाज दिया, कौन है? जब आवाज की सुलन पापी एगो बचवा के लसिया तगाड़ दिल रहलन बाबू, लेकिन एगो बचवा के लसिया रह गई रहल। इतने में आवाज सुन करके बचने का उपाय सोचने लगे। तब अरे दोनों लसिया के साथ तीनों मुदैया भैया गिरफ्तार। सुना सुना श्रीमान बाबू जब दरवाजा नहीं खुला ठोकर मारते हैं डी के मल्होत्रा साहब। दरवाजा टूटल बा बाबू जब अंदर प्रवेश किलन गजब नजारा दिखलन। वो बाबू आगे कहे में जबान रुकत बा। माई साधना जब अपने बचवा के लाश देखलस गिर के लसिया परोवे लगल। सोचत बा कि आखिर हम कौने कर्म कमाई के लिए कैसन कर्म कमाई के लिए कि आज होकर हमके सजाए भुगते के परत बा। रोत बा सारे गांव गिराव के लोग जुटल हुन आ रो रो के एगो बात कलस आखिरी लाइन में कैसे मास्टर साहब। अरे बेटी बेटी अपन छाती भरल साधना लसिया पयसिया गरीली साधना, ए बाबू बयान जब सुनले हमन तब हर शिवदयाल सुनलन के हमारे ससुराल में हमारे परिवार के साथ ऐसा ऐसन घटना घटल बा। वहां से चलन जब अलन डूही में बाबू गांव जवार के लोग जुटल होन। तब गांव जवार के लोग गैला बटराई, पूछा शिवदयाल गोललाल बहराई, साधना तवाई लसिया पयसिया गरीली साधना। मार मिला बाबूजी, एक बेटे की लाश साधना उठाई है, एक बेटे की लाश शिवदयाल उठोले होन। वाह, पागल की रूप में पागल हो गए दोनों प्राणी। कहल जला बाबूजी कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। दोनों प्राणी पागल हो गए होन बेटवन के शोक में। साधना सोचत बा कि अगर हम अपने भैया के राखी बांधे ना रहती तो ऐसा दिन देखे के ना मिलत। कवि जी अगली कड़ी में बहुत बढ़िया एगो बात बतौले होन। का तीन छुपाए छुपे नहीं, अरे चोरी हत्या पाप, कितनो कोई छुपे हो लेकिन खुले हाय अपने आप। तीन छुपाए छुपे नहीं, चोरी हत्या पाप, कितनों कोई छुपे हैं लेकिन खुली है अपने आप। ये छुपे वाला ना बाबूजी। प्रयास लिखते समय प्रमाण मिला कि दोनों प्राणी धन दौलत यहीं रह गया साथियों, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो दोनों प्राणी गए से कहाँ गए। आखिरी लाइन में गुरु घराने का परिचय हो। गुरु बिहारी गुरुपत्तु के गुरु छह बार हो गए प्यारे, देखे शिक्षा जनमानस का स्वर्ग में आसन मारा। कि अमराई ने पुरवाई बह गई तब विजयी मस्त